कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोरोना संक्रमित संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील। कोरोना में महाराष्ट्र में बढ़ी सख्ती, सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगी राशन सब्जी की दुकानें। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। यूपी में महाराष्ट्र दिल्ली से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित पहुंचाएं घर, सीएम योगी ने दिए निर्देश। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी कोरोना पॉजिटिव। यूपी में हमीरपुर जेल के डिप्टी जेलर की कोरोना से मौत, सीओ और कई डॉक्टर संक्रमित। कोरोना में यूपी में वीकेंड कर्फ्यू, 5 से अधिक एक्टिव केस वाले जिलों में लगेगा नाइट कर्फ्यू। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को हुआ कोरोना, ट्वीट कर दी जानकारी। यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन के एससी के फैसले पर एससी ने लगाई रोक। कोलकाता में ईसी से मिला टीएमसी नेताओं का डेलीगेशन, अंतिम 3 चरणों के चुनाव साथ कराने की मांग। कोरोना हाई कोर्ट की फटकार के बाद एक्टिव हुई तेलंगाना सरकार, 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू। यूपी के 5 शहरों में वर्चुअल लॉकडाउन, एचसी के आदेश के खिलाफ याचिका पर जल्द हो सुनवाई। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एससी पहुंची यूपी सरकार, कहा लॉकडाउन प्रशासनिक मसला। कोरोना के हालात को लेकर रक्षा मंत्री की बैठक आज, डीआरडीओ चीफ भी होंगे शामिल। सीईसी सुशील चंद्र और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कोरोना पॉजिटिव। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 23 पैसे मजबूत हुआ रुपया। दिल्ली में रजौरी गार्डन और पटेल नगर समेत 9 मेट्रो स्टेशन से एंट्री क्लोज। देश में कोरोना के 2.5 लाख से अधिक नए केस, पिछले 24 घंटे में 1761 मौतें। राहुल गांधी ने कहा प्रवासी फिर कर रहे पलायन, उनके खाते में डाले रुपए केंद्र सरकार। यूपी के गाजियाबाद के अपर जिला अधिकारी प्रशासन को हुआ कोरोना। कोरोना में दिल्ली के अस्पतालों में हालत खराब, आईसीयू के सिर्फ 42 बेड उपलब्ध। पाकिस्तान ने भारत से आने वाले यात्रियों पर लगाया बैन, कोरोना के कारण फैसला। दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन लागू, 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक रहेगा जारी। दिल्ली में 22 अप्रैल से एम्स में ओपीडी बंद रहेगी। छपरा के रिमांड होम में 38 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, सभी जिला अस्पताल में भर्ती।